हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के साथ आई हूँ और इस प्लांट का नाम ट्रैवलर्स पाम है। इसे बनाना पाम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल केले की तरह दिखती हैं। दूर से अगर आप देखें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये केले का पौधा है या फिर ये ट्रैवलर पाम है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये ट्रैवलर्स पाम है और बहुत खूबसूरत एक आउटडोर प्लांट है। घर के बाहर ऐसी जगह में लगा के रखें जहाँ इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप अच्छी तरह से मिल जाए तो इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको आप ग्राउंड में लगाएं तो अच्छा रहता है या फिर आप गमले में लगाएं तो अच्छा रहता है। तो अगर आपके पास बहुत जगह है फ्रेंड्स, ग्राउंड का एरिया अवेलेबल है जहां आप इस पौधे को लगा सकते हैं तो ग्राउंड में ही लगाएं। अगर आपके पास जगह नहीं है, कम जगह है, कम स्पेस है तो आप गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रोथ इसकी ग्राउंड में ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी हाइट 26 फीट या उससे भी ज़्यादा तक हो जाती है। तो ये अगर ग्राउंड में लगे हों तो बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसको ग्राउंड में ही लगाएं। अगर गमले में लगा रहे हो तो कोशिश करें इसको बड़े से बड़े गमले में लगाएं ताकि इसकी जो ग्रोथ है, जब तक ये प्लांट ग्रो हो रहा है गमले में तब तक इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। बात करें कि अब इसे मिट्टी किस तरह की दें ताकि इसकी ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो आप इसमें एक हिस्सा, वैसे तो अगर आप ग्राउंड में लगाते हैं तो ये सिर्फ मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं, उसमें और भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप गमले में लगा रहे हो तो एक हिस्सा मिट्टी के साथ एक हिस्सा रेत मिला लें, जिसे बालू, बजरी, सैंड भी बोलते हैं। रिवर सैंड जो होता है, नदियों के किनारे जो बालू मिलता है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिला लें या फिर गोबर की खाद, दोनों ही ऑप्शनल है। दोनों में से कोई भी खाद आप इसमें मिला सकते हैं और फिर इसकी रिपोर्टिंग कर दें। जब भी किसी गमले में आप इस प्लांट को लगा रहे हो तो इतना ध्यान रखें कि गमले का जो ड्रेनेज होल है, जो नीचे की तरफ होल बना होता है पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल, वो सही से बना हो, बड़े साइज़ का हो ताकि इसमें पानी ज़्यादा देर तक होल्ड ना हो और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहे। मिट्टी के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि पॉटिंग मिक्स किस तरह से बनाएं। अगर मिट्टी के गमले में आप लगाएंगे तो प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा और प्लांट के ख़राब होने की उम्मीद जो है बहुत कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें सीमेंट या मिट्टी के गमले में ही इस प्लांट को लगाएं, या किसी भी प्लांट को आप लगाते हैं तो कोशिश करें कि मिट्टी या सीमेंट के पॉट में ही लगाएं, उसमें प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती रहती है। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें अगर आप जब रिपोर्टिंग कर रहे हो तो इसमें एक बार जब खाद देते हैं तो फिर दोबारा खाद आप 1 महीने के बाद दें, 1 महीने के गैप के बाद ही इसमें दोबारा से खाद डालें। क्योंकि आप जब नया प्लांट लगाते हैं फिर बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता है कि उसमें दोबारा कितने टाइम के बाद, कितने दिन के बाद इसमें दोबारा से खाद दें। तो 1 महीने का गैप होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाद डाल देते हैं प्लांट में तो उसकी पत्तियां जलने लगती हैं और आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी गलती ना करें। नए प्लांट को लगाने के बाद कुछ दिनों तक, कम से कम 8 से 10 दिन तक इसको शेडेड एरिया में ही रख के छोड़ें, सीधे धूप में ना निकालें। वरना रिपोर्टिंग के तुरंत बाद अगर आप प्लांट को धूप में निकाल देंगे तो आपका प्लांट शॉक में चला जाता है और मर सकता है। इसीलिए इसको 8 से 10 दिन के लिए शेडेड एरिया में रखें। खाद के लिए मैंने बताया फ्रेंड्स कि आप लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं या फिर आप इसमें गोबर की खाद भी दे सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालें तो ये इसके लिए अच्छा रहता है क्योंकि ये लीफी प्लांट है, पत्तियों वाला पौधा है। तो पत्तियों वाले पौधों के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहता है, पत्तियाँ बहुत निकलती हैं। तो इसमें आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, तो वो आप दे सकते हैं तो इसकी ग्रोथ जो है अच्छी बनी रहेगी। 8 से 10 दिन के बाद जब नया पौधा लगाते हैं उसके बाद इसको आउटडोर ही रखें धूप में, जितनी अच्छी धूप मिलेगी इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती रहती है। पानी की बात करूं फ्रेंड्स तो इसको वाटरिंग एक बार अच्छे से देने के बाद, जब इसकी मिट्टी हल्की गीली हो तभी इसमें पानी दें क्योंकि इसको थोड़ा सा मॉइस्चर बना हो इसकी मिट्टी में, मिट्टी इसकी थोड़ी गीली रहती है तभी इस प्लांट को थोड़ा पसंद है
मॉइस्ट लेवल पे, जब मॉइस्ट साइड में इसकी मिट्टी रहती है तो उसको पसंद रहता है वैसा। तो आप इसकी मिट्टी में पानी देखें कि ज़्यादा सूखने ना दें, पानी देते रहे टाइमली। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।